डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम पीपल रिगार्डेड सर्टेन प्लेसेज एज सेक्रेट। प्राचीन समय से ही लोग कुछ स्थानों को पवित्र मानते थे। दीज प्लेसेज विच स्मॉल श्राइन वर कॉल्ड चेत्यास। ये स्थान जिसमें एक छोटी वेदिका होती थी उनको चैत्य कहा जाता था। चैत्यास वर प्लेसेज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। चैत्य वे स्थान हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। 4 चैत्यास रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। 4 चैत्य जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। लुम्बिनी, द प्लेस वेयर बुद्धा वॉज बोर्न। लुम्बिनी वह स्थान जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ। बोधगया, द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट। वह स्थान जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, द प्लेस वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। सारनाथ वह स्थान जहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर, द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन निर्वाणा। कुशीनगर वह स्थान जहाँ बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। ग्रेजुअली दिस प्लेस इज रिगार्डेड एज सैक्रेट। धीरे धीरे इन स्थानों को पवित्र माना जाने लगा। सम अदर प्लेसेज वेयर रैलिक्स ऑफ बुद्धा एंड द ऑब्जेक्ट्स यूज बाय हिम वर बरीड वर नोन एज स्तूपास। कुछ दूसरे स्थान जहाँ पर बुद्ध की अस्थियाँ और वे वस्तुएँ जो बुद्ध अपने जीवन में प्रयोग करते थे उनको दबाया गया है, उन स्थानों को स्तूप कहा जाता है। अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक वदाना, अशोका ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए स्तूपा इन एवरी इंपॉर्टेंट टाउन ओवर द रैलिक्स ऑफ बुद्धा। एक बुद्ध ग्रंथ अशोक वदान के अनुसार सम्राट अशोक ने उन महत्वपूर्ण स्थानों में एक एक स्तूप बनवाने का आदेश दिया जहाँ पर बुद्ध की अस्थियाँ थी। द स्तूपा वर बिल्ट इन भरूच सांची एंड सारनाथ बाय द 2nd century BC। भरूच सांची और सारनाथ में 2nd शताब्दी ईस्वी पूर्व तक स्तूपों की स्थापना हो चुकी थी। हावर स्तूपाज बिल्ट। स्तूप कैसे बनवाए गए। रिकॉर्ड्स ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग द स्तूपाज आर फाउंड ऑन द रेलिंग्स एंड पिलर्स। स्तूप को बनवाने के लिए जिन्होंने दान दिया उनकी सूची रेलिंग्स और स्तंभों पर लिखी गई है। द किंग्स गिल्ड्स भिक्कूस भिक्षुनीस एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन गेव डोनेशंस फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। राजाओं ने, व्यापारियों के समूह ने, भिक्कू और भिक्षुनियों ने, साधारण पुरुषों ने और औरतों ने इन स्तूपों को बनवाने के लिए और उनको सजाने के लिए दान दिया। स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूप का ढांचा। स्तूपा इज ए संस्कृत वर्ड मीनिंग ए हीप। स्तूप एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है टीला। द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा इज ए सिंपल स्ट्रक्चर माउंट ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा। यह एक साधारण गोलाकार टीला होता है जिसको अंडा कहा जाता है। ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। धीरे धीरे यह और अधिक जटिल ढांचे में विकसित होने लगा। अबोव द अंडा वाज द हर्मिका। अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती है, ए बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर, एक छज्जे जैसा ढांचा दैट रिप्रेजेंटेड द अबोड ऑफ गॉड्स, जो भगवान के घर की तरह दिखाई देता है। राइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज द मस्त कॉल्ड द यष्टी। हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल होता है जिसको यष्टी कहा जाता है। सराउंडेड बाय छतरी और एन अम्ब्रेला, जो एक छतरी से घिरा होता है। अराउंड द माउंट वाज ए रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेट स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड। टीले के चारों तरफ रेलिंग होती है जो इस स्मारक को बाहरी संसार से अलग करती है। फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। अमरावती और सांची की नियति। अमरावती, इन 1796 ए लोकल राजा हु वांटेड टू बिल्ड ए टेम्पल फाउंड द रूइंस ऑफ स्तूपा। 1796 में एक स्थानीय राजा
जो एक मंदिर बनवाना चाहता था उसको अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। ही थॉट देर माइट बी ए ट्रेजर इन द स्मॉल हिल। उन्होंने सोचा कि छोटी पहाड़ी में शायद कोई खजाना होगा। इन 1854 वाल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गंटूर आंध्र प्रदेश विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास। 1854 में वाल्टर एलियट जो आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले का कमिश्नर था उसने अमरावती का दौरा किया और वहाँ से बहुत सी मूर्तियों को इकट्ठा करके अपने साथ मद्रास ले गया। बाय द 1850s सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती हैड बिगिन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। 1850 में अमरावती से कुछ पत्थर अलग अलग स्थानों पर ले जाए गए टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कलकत्ता। कलकत्ता में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में टू द इंडियन ऑफिस इन मद्रास मद्रास के इंडियन ऑफिस में एंड सम इवन टू लंदन। और कुछ पत्थर जो है लंदन भी ले जाए गए। मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर्स वर सीन एडोर्निंग द गार्डन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। कुछ मूर्तियाँ ब्रिटिश अधिकारियों के बगीचे की शोभा भी बढ़ा रही थी। आर्कोलॉजिस्ट एच एच कोल सेट एक पुरातत्वविद एच एच कोल ने कहा कि इट सीम्स टू बी ए सुसाइडियल एंड इनडेफिनिसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ एंशियंट आर्ट। देश की प्राचीन कला को लूटने देना एक आत्मघाती और असमर्थनकारी नीति है। सांची अमंग द बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट ऑफ द टाइम इज द स्तूप ऑफ सांची। उस समय का जो सबसे सुरक्षित स्मारक है वह सांची का स्तूप है। व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। सांची का स्तूप क्यों सुरक्षित रहा जबकि अमरावती का सुरक्षित नहीं रहा। इट इज़ बिकॉज द रूलर्स ऑफ भोपाल कंट्रीब्यूटेड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट। यह इसलिए है क्योंकि भोपाल के शासकों ने उस स्मारक के सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया। परहैप्स अमरावती डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फाउंड्स एंड हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू प्रिजर्व थिंग्स वेयर दे हैड बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग डैम फ्रॉम द साइट। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय उसको खोज की जगह पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था।